NA-60 और 61 से कागजाद नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपील मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजाद नामजदगी पर रिटर्निंग अफसर के एतराजात और फैसला बरकरार रखा है। तफसलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर आसिफ, बताइएगा ये फैसला बरकरार रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी ने जेलम के NA-60 और NA-61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसपे आरओ की जानिब से एतराज लगाया गया था। फवाद चौधरी ने आरओ के फैसले के खिलाफ जो है रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई। इस तरह जो फवाद चौधरी हैं वो इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सुनाया। जी ठीक है, फवाद चौधरी इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजाद नामजदगी पर रिटर्निंग अफसर के एतराजात और फैसला बरकरार रखा है। तफसलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर आसिफ, बताइएगा ये फैसला बरकरार रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी ने जेलम के NA-60 और NA-61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसपे आरओ की जानिब से एतराज लगाया गया था। फवाद चौधरी ने आरओ के फैसले के खिलाफ जो है रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई। इस तरह जो फवाद चौधरी हैं वो इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सुनाया। जी ठीक है, फवाद चौधरी इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजाद नामजदगी पर रिटर्निंग अफसर के एतराजात और फैसला बरकरार रखा है। तफसलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर आसिफ, बताइएगा ये फैसला बरकरार रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी ने जेलम के NA-60 और NA-61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसपे आरओ की जानिब से एतराज लगाया गया था। फवाद चौधरी ने आरओ के फैसले के खिलाफ जो है रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई। इस तरह जो फवाद चौधरी हैं वो इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सुनाया। जी ठीक है, फवाद चौधरी इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजाद नामजदगी पर रिटर्निंग अफसर के एतराजात और फैसला बरकरार रखा है। तफसलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर आसिफ, बताइएगा ये फैसला बरकरार रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी ने जेलम के NA-60 और NA-61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसपे आरओ की जानिब से एतराज लगाया गया था। फवाद चौधरी ने आरओ के फैसले के खिलाफ जो है रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई। इस तरह जो फवाद चौधरी हैं वो इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सुनाया। जी ठीक है, फवाद चौधरी इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजाद नामजदगी पर रिटर्निंग अफसर के एतराजात और फैसला बरकरार रखा है। तफसलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर आसिफ, बताइएगा ये फैसला बरकरार रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए फवाद चौधरी ने जेलम के NA-60 और NA-61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसपे आरओ की जानिब से एतराज लगाया गया था। फवाद चौधरी ने आरओ के फैसले के खिलाफ जो है रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई। इस तरह जो फवाद चौधरी हैं वो इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में क्राइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सुनाया। जी ठीक है, फवाद चौधरी इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया।